मैं जानता हूँ आज के बच्चे हिंदी कम जानते हैं, अंग्रेजी ज्यादा जानते हैं, ये एक दुख की बात है, लेकिन तो भी मैंने अंग्रेजी में इसीलिए नाम रखा कि प्लस फोर माइनस फोर। हम लोग जो पहनते हैं जरूरत से ज्यादा पहनते हैं, प्लस फोर पहनते हैं, और गांधी जी माइनस फोर पहनते थे, जरूरत से चार कम पहनते थे। तो वो उस किस्से को मैं आपके सामने पढ़ रहा हूं। गांधी जी हर एक काम में सावधान थे, खाना कपड़ा सब कम से कम, सब साधारण, कहीं जरा सा भी फाजिल हो गया, फाजिल यानी फिजूल, अतिरिक्त, ज्यादा। गांधी जी हर एक काम में सावधान थे, खाना कपड़ा सब कम से कम, सब साधारण, कहीं जरा सा भी फाजिल हो गया कि व्याकुल और दुखी हो जाता था उनका मन। शुरू शुरू में उनकी रहन सहन वैसी थी जैसी होती थी अंग्रेज बहादुर अफसर या हाकिम की, मगर बाद में धीरे धीरे वे उसका रद्दीपन समझे और उन्होंने वो अपनी पोशाक बदल दी। पहले धोती कुर्ता और अंगरखा पगड़ी, किंतु लगा उनको किसान को नहीं मयसर इससे आधा ताम झाम, तब ये भी छोड़ा गांधी जी ने लगे पहनने घुटनों तक का कच्छा सादा। गर्मी में वे खुले बदन रहते थे अक्सर और सर्दियों में लपेट लेते थे चादर। इसके पीछे उनके मन में था किसान का दुख, गरीबों के प्रति आदर। उनका कहना था कि अगर अंग्रेज बहादुर ने भारत को समझा होता तो वो भी कुछ और नहीं तो आब हवा के ही ख्याल से इतने ज्यादा कपड़ों का बोझा क्यों ढोता, मगर हाय अफसोस, शान में रहा विदेशी और शान वो झूठी पक्की हुई देश में। हम भी सब आजकल पेंट वेंट पहने घूमते हैं, मगर हाय अफसोस, शान में रहा विदेशी और शान वो झूठी पक्की हुई देश में। अब है हम आजाद, मगर कुछ भेद नहीं पड़ने पाया है खान पान में और वेश में, बल्कि बढ़ा है कई गुना हर एक दिशा में पश्चिम का अनुकरण ढंग। अपने सब छूटे, आजादी के बाद देश कैसा क्या होगा, इसको लेकर गांधी के सब सपने टूटे। बहुत। मगर छोड़ दें उसे, हमें कहना है किस्सा। गोलमेज परिषद में बापू गए बुलाए, क्योंकि बात भारत की होनी थी ब्रिटेन से, तो था ये अनिवार्य कि उसमें गांधी जाए। गांधी जी जैसे रहते थे वैसे पहुंचे, पांव में चप्पल, घुटनों तक धोती, उसके ऊपर चादर। किसकी हिम्मत थी कि देश के परम पुरुष का अपने मन में भी कर पाता कहीं अनादर, मगर हमारे ही कुछ साथी सोच रहे थे व्हाइट हॉल सफेद सभा में इस प्रवेश को, यानी उनको लगता था अच्छा होता यदि गांधी जी धारण करते अनुरूप वेश को। भारत की पोशाक नहीं अनुरूप, भला इसको गांधी जी सोचे ही क्यों। हुआ नतीजा ये कि भरी उस महासभा में गांधी जी हंसते हंसते पहुंचे ज्यों के त्यों। सभा समाप्त हुई, बापू की वाणी गूंजी, सबने समझ लिया मन ही मन आगे पीछे अंग्रेजों को भारत से हटना ही होगा, उन्हें उतरना होगा सिंहासन से नीचे। व्हाइट हॉल छोड़कर बापू बाहर आए, जय जयकार, चित्र हस्ताक्षर झड़ी लग गई। मगर दिल जले भी तो होते हैं दुनिया में, किसी एक को अप्रत्याशित ये एक छड़ी पर दूजी जैसी छड़ी लग गई। उसने मन की आग उगल कर कहा, आप क्या अब लंदन की सड़कों पर नंगे जाएंगे? बापू मुस्काए, बोले हाँ, आप मेहरबानी करके क्या साथ साथ मेरे आएंगे? सिर से पैरों तक पहने हैं आप, अगर प्लस फोर चार ज्यादा तो सबको दिखला दूंगा, और माइनस फोर चार कम कपड़े क्यों हैं, जब खस्ता हालत वालों को समझा दूंगा तब देखेंगे आप, ठीक मुझको मानेंगे लोग, आपको गलत सरासर। सुनकर सारी भीड़ हंसी, कहने वाले का उतर गया मुंह, बेशक बिल्कुल सही बराबर का स्वर गूंजा, और बाद में तो ये किस्सा देश विदेश हंसी के स्वर में घर घर गूंजा। बहुत अच्छे।